हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। तो चलिए इस वीक की शुरुआत करें और देखें कि आज मार्केट किस तरह से होगा। साथ ही 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे देखेंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी को अराउंड 34,700 का सपोर्ट मिल रहा है और 36,000 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है टाटा एलेक्साई, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 8,438 पर। स्टॉप लॉस 8,215, पहला टारगेट 8,670 और दूसरा टारगेट 8,875 पर रख सकते हैं। फिर है डेल्टा कॉर्प, जहां पर पॉजिटिव चार्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 320 पर। स्टॉप लॉस 311, पहला टारगेट 329 और दूसरा 338 पर रख सकते हैं। फिर है सुप्रीम पेट्रोकेम, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 902 पर। स्टॉप लॉस 878, पहला टारगेट 926 और दूसरा टारगेट 954 पर रख सकते हैं। फिर है गुजरात अल्कलीज, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 810 पर। स्टॉप लॉस 789, पहला टारगेट 832 और दूसरा टारगेट 851 पर रख सकते हैं। इसके बाद है अडानी एंटरप्राइजेस, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नज़र आ रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1867 पर। स्टॉप लॉस 1815, पहला टारगेट 1920 और दूसरा टारगेट 1980 पर रख सकते हैं। अब बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं उनका परफॉर्मेंस। GMDCL लिमिटेड वेंट अप 8.5%, टच्ड बोथ टारगेट्स। इंडिया ग्लाइको वेंट अप 5.2%, टच्ड बोथ टारगेट्स। ATGL वेंट अप 4.5%, टच्ड फर्स्ट टारगेट। टाटा एलेक्सा वेंट अप 11% इन 2 डेज। अब देखते हैं स्टॉकी न्यूज। इसमें हम आज बात करेंगे मदरसन सुमी, इमामी एंड एयर इंडिया के बारे में। सबसे पहले मदरसन सुमी की बात करें तो मदरसन सुमी का डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस आज लिस्ट होगा। ये डीमर्जर कुछ महीने पहले अनाउंस हुआ था एंड नाउ दिस डीमर्ज्ड एंटिटी विल बी लिस्टिंग। द वायरिंग हार्नेस बिजनेस हैज़ बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस फॉर मदरसन सुमी। वहीं इमामी की बात करें तो इमामी ने डर्मी कूल एक्वायर किया, जो कि एक लीडिंग ब्रांड्स है इन द प्रिकली हीट एंड कूल टाइल कैटेगरी, फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ ₹432 करोड़। द एक्विजिशन इज फंडेड थ्रू इंटरनल एक्रुअल्स एंड इज सब्जेक्ट टू कस्टमरी क्लोजिंग कंडीशंस। एयर इंडिया की बात करें तो टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया लिमिटेड इज लुकिंग एट बाइंग एज मैनी एज 30 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, एन ऑर्डर दैट विल अलाउ द फॉर्मर स्टेट रन कैरियर टू एग्रेसिवली परस्यू इंटरनेशनल ग्रोथ। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल 5 पैसा के साथ बने रहें और अपने फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल 5 पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।